मैं सोच रहा था मैं किससे कहूँ, थाने से बात करूँ या फिर किसी 15 पे बात करूँ, 15 पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अच्छी बात है कि मुंतखब नुमाइंदे अब जाया वाकया पे पहुंच जाते हैं। हैदराबाद में आप तो एमपी हैं, हम शहरी हैदराबाद के शहरी, जब इस तरह की हंगामी सूरत हाल हो तो हम किससे रब्ता करें। कल एक रक्षा गिरा नाले में और मैं खुद हैरान था मीडिया से मेरा ताल्लुक, क्योंकि मैं किससे रब्ता करूँ, कोई सिस्टम नहीं है हैदराबाद में। इलेक्ट्रॉनिक्स जो नाम है एतमाद का, हमारे यहाँ हर किस्म के पंखे, रूम कूलर, वॉशिंग मशीन होलसेल रेट पर दस्तयाब हैं। HDA का ये हैदराबाद का अलवहीद स्क्वायर के सामने प्लॉट है, जहाँ पर हर सीजन में जब ये गर्मी होती है तो इस तरह आग लग जाती है। ये आज की आग किस वजह से लगी, आप यहाँ पे रहते हैं, क्या हुआ था, कैसे लगी? अस्सलामुअलैकुम, यहाँ चौकीदार था, उन्होंने मुझे फोन किया कि आग लग गई है, और ये अक्सर आग लगती रहती है गर्मियों में। वो कोई सिगरेट वगैरह फेंकता है, क्योंकि पीछे लकड़ियाँ खुश्क हैं, तो उसकी वजह से आग लगी। जब हम लेके आए तो मिनटों में आग वो वहाँ तक, हमें डर था जितनी जल्दी हो सका फायर ब्रिगेड पहुँची ताकि टायर मार्केट को आग ना लग जाए। फायर ब्रिगेड को आपने इत्तला दी? जी हाँ जी। देर में रिस्पॉन्स किया? मैं समझता हूँ मुश्किल से 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह पहुँच गए। जी हाँ जी, वेल डन जी फायर ब्रिगेड। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूँ कि कल ओडियन सिनेमा के पास एक रक्षा जो कि केबिन से टकराया और जाकर नाले में गिरा, मैंने खुद वहाँ पे कोशिश की कि मैं सोच रहा था मैं किससे कहूँ, थाने से बात करूँ या फिर किसी 15 पे बात करूँ, 15 पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। शहरी अगर इस तरह के हादसात होते तो किससे रابطہ करें, यहाँ पर MPA मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि अगर इस तरह की सूरत हाल होती है। अच्छी बात है कि मुंतखब नुमाइंदे अब जाया वाकया पे पहुँच जाते हैं। हैदराबाद में आप तो MPA हैं, हम शहरी हैदराबाद के शहरी, जब इस तरह की हंगामी सूरत हाल हो तो हम किससे रابطہ करें। कल एक रक्षा गिरा नाले में और मैं खुद हैरान था मीडिया से मेरा ताल्लुक, क्योंकि मैं किससे रابطہ करूं, कोई सिस्टम नहीं है हैदराबाद में। अऊद बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेसिकली तमाम महदिब ममालिक में ऐसे मामलात को देखने के लिए रेस्क्यू के इदारे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से सिंध के अंदर उस तरह के इदारे अभी तक अपना फालियत के साथ नहीं है। सिर्फ फायर ब्रिगेड जो सारा काम करती है। रेस्क्यू 1122 का सिंध हुकूमत ने ऐलान तो किया है और उनकी कुछ मशीनरियाँ भी नज़र आती है, लेकिन वो समझ में नहीं आता कि कहाँ खड़ी होती है, उनका मैकेनिज़म क्या है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो इसकी तशहीर की ज़रूरत है, दूसरा HMC के अंडर में होने चाहिए रेस्क्यू 1122 जैसे इदारे, ताकि जो म्यूनसिपल ब्रिगेड के साथ इसको बिल्कुल इंट्रैक्शन इनका होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो सारी मशीनरी है जिससे लिफ्टर भी हैं, ट्रेनें भी हैं, वो सब चीज़ें उनको देनी चाहिए। शहर है गुंजान आबादी वाला शहर, इसमें देखें आप सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अगर छोटी गिट्टी पे आग लगती है, रेशम बाजार में आग लग जाती है, खुदा ना खास्ता फकीर के पेड़ में आग लग जाती है, इंक्रोचमेंट का ये हाल है। और अगर ये तो खुला मैदान है, यहाँ पर फौरी तौर पर इन्होंने रिस्पॉन्स दे दिया, क्विक रिस्पॉन्स दिया, 10 मिनट में पहुँच गए, शाबाश है इनको। लेकिन अगर इस तरह की हालात सूरत हाल पैदा होती है तो शहरी कहाँ जाए, आदमी हैरान और परेशान हो जाता है कि किससे रब्ता करें। देखें, एक तो बल्दिया को इस मामले में बाख्तियार बनाने की ज़रूरत है, और हमने एक प्रपोज़ल सिंध गवर्नमेंट को भेजा था, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से पधीराई नहीं मिली। हमने एक मादी के अंदर शाही बाज़ार में एक वाटर सप्लाई की लाइन होती थी जिसका काम ही सिर्फ आग बुझाने के लिए था। उसके लिए हमने कहा था कुछ पॉइंट्स पर वाटर हाइड्रेंट बनेंगे और छोटा फायर फाइटिंग का सिस्टम वहाँ लगा दिया जाए, कुछ स्टाफ वहाँ अपॉइंट कर दिया जाए ताकि आसानी के साथ हम वो सब चीज़ें मैनेज कर सकें। तो मैं समझते हैं कि रवां साल के बजट में हम कोशिश करेंगे सिंध हुकूमत से सब चीज़ें कराएं, और जो इंक्रोचमेंट के मसाइल हैं उसके लिए हम डिप्टी कमिश्नर साहब से भी कहेंगे, वो अपना किरदार अदा। इसके लिए मैंने बहुत पहले एक पैकेज किया था कि यहाँ पर करोड़ों रुपये का जो है सामान पड़ा हुआ है, फिर वो उजर आया कि यार इसमें कोई कानूनी पेचीदगी है। मैंने कहा इसको अगर बेच दिया जाए तो इससे बल्दिया को बहुत सारा जो है उससे सामान खरीद सकते हैं, शहर का फायदा हो सकता है। ऐसे आग लगती है, रेस्क्यू के मामला थोड़े से परेशानी होती है शहरियों को, क्या किया जाए इसमें? हमने एक लेटर बनाया इसके हवाले से और गवर्नमेंट ने ऑफिसिन को मूव कर दिया है, जो एक सरकारी तरीक़ाकार है, उसके हिसाब से हम पूरे जो भी स्क्रेप है हमारा सिटी और लतीबाबाद का, उसका एस्टिमेट लगा के हमने गवर्नमेंट ऑफिसिन को इसका लेटर भेज दिया है। अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसको अप्रूव करके कमेटी बना के ये हमारे पास भेजेगी, उसके बाद ये स्क्रैप जितना भी है ये नीलाम होगा, जो एक तरीक़ाकार है। हमने अपने हिस्से का काम कर लिया है, वहाँ से एक अप्रूवल आएगी और उसके बाद ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, दूसरा रहा आग लगने का, ये खाली प्लाट है, बराबर में घर भी हैं, हालांकि मार्केट है, लोग रहते भी हैं और ये दीगर मामलात भी हैं। अच्छा, यहाँ HDA का काम भी यहाँ चल रहा है ना,
एक हमें एक सिस्टम यहाँ डल रहा है, एक आगे डल रहा है, और यहाँ मुसलसल एक्टिविटी भी हो रही है। और इसमें लास्ट टाइम हमने इसको पार्किंग प्लाट बनाने के लिए इस पर भी काम किया, ये जो सफाइयाँ हुई हैं उस हवाले से। अब ये खाली जगह हैं, झाड़ियाँ भी हैं, कहीं से कोई शरारत हुई। किसकी तरफ देखें? रेस्क्यू के लिए तो जैसे पता पड़ता तो HMC अपना काम अदा कर अपना रोल अदा करती है, और उसके बाद फायर ब्रिगेड फौरी तौर पर आ जाती है। अच्छा, मैं 1 बजे यहाँ पर पहले एक विज़िट करके गया हूँ, और मैंने खुद ने जो HDA का कुछ काम चल रहा था और एक मामला था जिस पर मैं यहाँ पे 1 बजे में विज़िट करके गया हूँ। उस दौरान कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि यहाँ पे कोई आग लगती है, कोई ऐसा मामला था। अब ये अचानक का एक ऐसा मामला है, लेकिन जो इसके बारे में क्या करें, इस तरह के आसाद, कल एक रक्षा गिर गया था ओडियन सिनेमा के पास, देखें वहाँ सोच रहा था कि क्या करूँ। एक रेस्क्यू 1122 का शायद एक इदारा बना तो है कि जो हर जगह एक इमरजेंसी में पहुँचता है, जिसका काम भी है, और उसको अपना एक फाल किरदार अदा करना चाहिए। वही बात है कि उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, और HMC के एज एडमिनिस्ट्रेटर ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारे ज़मरे में काम आता है कि आग लगी है तो फायर ब्रिगेड फौरी तौर पे पहुंच जाए, रेस्क्यू का अमला हमारा वाला फौरी तौर पे पहुंच जाए, शहरियों की जो डिमांड है 1122 फाल है तो उसको फाल होना चाहिए। लाजिम बात है कि यहाँ पे ऐसी सूरत हाल में जब ऐसी सिचुएशन होती है कि बंदा कहता है अफवाहें गर्दिश करती हैं, कैमरामैन आगे आए, अफवाहें गर्दिश करती हैं, बातें होती हैं, काम अभी आप देखें कि आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौजूद है, लेकिन आग का जो धुआं है, शोले तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये लग रहा है कि ये आग फैल रही है, और पीछे गोदाम की तरफ आवाज़ें लग रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं कि पीछे गोदाम में आग लग गई है। ऐसे में जो रेस्क्यू के हमारे यहाँ के हैदराबाद के जितने भी हैं रेस्क्यू के इदारे, उनके हवाले से पब्लिश उनको होना चाहिए आवाम तक। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वो सारी चीज़ें, वो सारा तरीका बताना चाहिए कि पब्लिक को फौरी रिस्पांस मिले, क्विक रिस्पांस मिले। आग लग जाए तो आम आदमी कहाँ जाए, किससे आवाज़ दे, किसको कहे, अगर कहीं पे हादसा हो जाए तो किससे राबता करे। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर इसकी बिल्कुल वाज़े तौर पे आवाम को बताना चाहिए, और आम अल्फाज में बताना चाहिए। कल मैंने 2 बार ट्राई किया, 1122 ये नया यहाँ पे लॉन्च किया गया हैदराबाद में, वहाँ पर वो जो है मसरूफ़ है। अभी मैंने 15 पे रब्ता किया तो ये आ रहा था कि आपके मतलूबा नंबर मसरूफ़ है। 1 बार नहीं 10 बार मैंने ट्राई किया। मसला ये है कि इन हालात में, ऐसे हालात में जो है वो हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हमें कहाँ जाएँ, किससे फौरी तौर पर। ये तो इतना ज़्यादा क्रिटिकल मसला, आग लगी है, लेकिन अब यह है कि इसके बराबर में दीवारें हैं, गोदाम है, लेकिन इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का वाकया किसी गुंजान आबाद इलाके में होता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। कैमरामैन अली राजपूत के साथ फयाज अवान, एशियन न्यूज़, हैदराबाद। मोहसिन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो नाम है एतमाद का। हमारे यहाँ हर किस्म के पंखे, रूम कूलर, वॉशिंग मशीन होल सेल रेट पर दस्तयाब हैं। तो इंतजार किस बात का, अभी रब्ता करें। चीफ एग्जीक्यूटिव ताशवीन मेमन, नंबर 03223131811, एड्रेस खलीक शेवानी शॉपिंग सेंटर, छोटकी घिट्टी, हैदराबाद।